गुड इवनिंग फ्रेंड, यू आर वॉचिंग टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर होस्ट राज। आज की मेरी इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपसे इथेरियम के बारे में चर्चा करने वाला। इथेरियम 2.0 की मर्ज की अपडेट आने वाली है जो कि एक्सपेक्टेड है इस अगस्त के अंदर, अगस्त 2022 के अंदर। अभी चल रहा है जून जुलाई अगस्त, यानी कि करीब करीब दो मंथ के बाद, 50-60 डेज के बाद हम शायद देख पाएंगे इथेरियम 2.0 को, यानी कि इथेरियम के अपग्रेडेशन को। अब इसमें कुछ लोगों की क्वेरीज ये थी कि भाई अगर इथेरियम 2.0 जब आ जाएगा तो हमारा जो इथेरियम अभी जो हमारे पास रीसेंट है उसका क्या होगा। ठीक है, तो उसके बारे में सारी चर्चा करने वाले हैं, क्या इसे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमें ये और भी डीप में मिल सकता है और इसकी एक्सपेक्टेशन कितनी है, कहाँ तक ये जा सकता है अगर ये अपग्रेड होता है इथेरियम 2.0 में, या फिर जिसे मर्ज कह लीजिए कि अपना इथेरियम 1 से लेकर इथेरियम 2.0 तक चला जाएगा, इथेरियम 2 में चला जाएगा। हाँ, ये कह सकते हो आप कि जो ये पहले प्रूफ ऑफ वर्क पे था, अब वो प्रूफ ऑफ वर्क से मर्ज होकर या अपग्रेड होकर उसकी ब्लॉकचेन को अपग्रेड करके इथेरियम 2.0 प्रूफ ऑफ स्टेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है, साथ में टेक्निकल एनालिसिस भी, कब बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ज़रूर दबाइएगा। सीधा चलता हूँ मैं इथेरियम के चार्ट के ऊपर। फोर आवर टाइम फ्रेम के अंदर आप इस वक्त चार्ट देख रहे होगे, यहाँ पर आप देख रहे होगे, ये देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा। इन फोर आवर टाइम फ्रेम यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर एक थोड़ा सा डिमांड जोन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी जो कि करीब करीब है 1700 के आसपास। ठीक है, जो कि हमारा एक तरह से लास्ट सपोर्ट भी कह सकते हैं। अगर ये ड्रॉप होता है तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो करीब करीब 1500 से 1400 तक के आसपास की जाने की भी है। इथेरियम की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिए अगर थोड़ा सा हम और इसको लेकर चलते हैं, और आपको यहाँ पर एक हाई रेड जो आपको बॉक्स जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये नो ट्रेड जोन है अकॉर्डिंग टू माय चार्ट एनालिसिस। ठीक है, बाकी जो कर रहे होंगे कर रहे होंगे, ठीक है। अब मैं इसके अंदर अगर एंट्रीज की सोच रहा हूँ तो 1850 से ऊपर की एंट्री लेने की कोशिश करूँगा, और जिसके अंदर मेरी जो 1885 यानी कि यहाँ पर जाने के बाद एक छोटा सा करेक्शन ले सकते हैं, वापस दोबारा से प्राइस यहाँ पर आप उसको देख सकते हो, जो आपको मैं दोबारा से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पर जाने के बाद चांसेस है यहाँ तक आने के बाद, ठीक है, ये फिर आप इसको ऊपर जाता हुआ देखिए। अगर ये इसके बिलो चला जाता है, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस आप 1781 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको यहाँ पर दिखाई देगा, अगर ज़्यादा ही सेफर साइड चलना चाहते हैं तो आप इस जोन के ऊपर यानी कि 1890 के ऊपर, 93 के ऊपर अपनी फ्रेश एंट्री लीजिएगा, जैसे कोई भी 4 आवर की कैंडल क्लोज होती है इसके अबव, ठीक है, तब आप इसकी एंट्री ले सकते हैं। तब हमारा टारगेट होगा 1939, 1996 और 2088 डॉलर का। मेरे पास ये रीसेंट टारगेट होगा, करीब करीब 2100 डॉलर का हमारे पास रीसेंट टारगेट हमारे सामने अवेलेबल है, ठीक है। ये हमारे पास एंट्री जोन है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, मैं आपको यहाँ पर मैंशन भी कर देता हूँ, एंट्री जोन या फिर स्पॉट, ठीक है, ये हमारे पास एंट्री जोन या स्पोर्ट रहेगा। अब चलते हैं डे टाइम फ्रेम के हिसाब से। आप यहाँ पर डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे हो, एक फॉलिंग वाइज पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये देखिए मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ, यहाँ पर आपने इसने इसको टेस्ट किया, ट्रेंड लाइन जो स्पोर्ट था यहाँ से इसने फिर बाउंस बैक किया, इसके बाद यहाँ पर इसने फिर टेस्ट किया, इसके बाद फिर एक अच्छी रैली चली। अब यहाँ पर इसने थर्ड टाइम फिर से टेस्ट किया है, ठीक है, और यहाँ से फिर हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, जो लास्ट टाइम हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन हुई थी, जो इसने अच्छा मूवमेंट दिया है आप देख सकते होगे, ठीक है, ये देखिए आप। तो अब जो उम्मीद लग रही है, मुझे लग रहा है फिर दोबारा से हम करीब करीब यहाँ पर इसको जाता हुआ देख सकते हैं, 2300 से 2400 के आसपास तक जाता हुआ देख सकते हैं, और हमारे पास यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट भी निकल कर आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे जो ऑलरेडी आपको पिछले चार्ट के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, सेम वहीं पर करीब करीब हमारे पास एक अच्छा खासा $1700 के आसपास हमारे पास एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पर मैं इसको देखिए 1700 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं, ये लीजिए ये रहा, ठीक है, ये हमारे पास एक तरह से हमारे पास एक अच्छा खासा सपोर्ट है। और हम लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से ये बात करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर, ये देखिए, तब भी हमारे पास जो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एक सपोर्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर करीब करीब 1600 के आसपास हमारे पास देखने को मिलेगा। अदरवाइज उसके अलावा हमारे पास सीधा 1450 के आसपास का सपोर्ट है इन लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अपना सिंपल सा है 1800 से 1650 जो रेंज है आप यहाँ पर ले सकते हैं, 1630 का स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, और मेरी जो एक्सपेक्टेशन है
जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि आप तो यहाँ पर आपको यह इस तरीके से देखने को मिल जाए, ऑलरेडी पहले टेस्ट कर चुका है। और जो हमारे पास जो अपना जो पहला जो रेजिस्टेंस निकल कर आएगा करीब करीब 2200 का, अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से चलते हो तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर सारे छोटे स्मॉल टारगेट्स आपको दे दिए गए हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये है आपका इथेरियम 2.0 के अंदर। देखिए ये सीधा सा आप क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए इट्स नॉट अ न्यू टोकन, ये कोई टोकन नया टोकन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जितने इथेरियम या जिस यूज़र के पास जितने इथेरियम वो सेम उसके पास उतने ही रहने वाले हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक अपग्रेड है टू इम्प्रूव द इथर ब्लॉकचेन, सिंपल इज दैट, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है, देखिए अबेंडनिंग प्रूफ ऑफ वर्क एंड मूविंग टू प्रूफ ऑफ स्टेक, मोर स्टेक अपॉर्चुनिटीज। तो ये है सिंपल सा फंडा। तो हमें अगर ये अगस्त में होता तो हमारे पास 50 to 60 days के अप्रोक्स अभी हमारे पास हैं, तो उम्मीद है कि वहाँ तक अगर हमें 2 महीने तक अगर ये एक्चुअली इसकी डेट निकल कर आती है अगस्त की, तो इथेरियम को क्या पता 2500 से लेकर 3000, 2500 से लेकर 3000 के आसपास तक भी ईजिली देख सकते हैं। अगर ये अप्लीकेबल हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है, तो फिर हम क्या दिसंबर के आसपास तक शायद इसको दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई तक भी बहुत आसानी से देख सकते हैं, यानी कि 48 से लेके $5000 के अप्रोक्स पर। काफ़ी यूज काफ़ी बड़े बड़े एनालिस्ट का कहना है कि दिसंबर तक ये आप $10000 तक का भी जा सकता है, पर हम वो बात नहीं करेंगे। हम जो भी रिसेंट है हम उसके हिसाब से बात करेंगे और आपको जो भी अपडेट टाइम टू टाइम आती रहेगी उसके बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।